एक मंगल मैत्री के बारे में बोला था। इस साधना में हम मंगल मैत्री का प्रयोग करते हैं। भगवान बुद्ध ने खुद कई सूत्रों में मंगल मैत्री की साधना सिखाई है, तो ये उनके सीख के बाहर से कोई साधना नहीं है, ये उसी का एक अंश है। भगवान बुद्ध ने खुद अपने पुत्र राहुल को भी मंगल मैत्री की साधना सिखाई थी। मंगल मैत्री के दो तीन फायदे हैं जो हमने त्विम में शमत विपश्यना के अभ्यास करने वाले लोगों में देखा है। एक तो मंगल मैत्री की साधना में लोगों का जो विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, अपने ध्यान में जो प्रगति करते हैं वो काफी तेजी से होता है। इसकी दो तीन वजह है। एक तो मंगल मैत्री ऐसा एक भाव है जो आपके मन में घृणा, द्वेष, नफरत ऐसी भावनाओं को कम करता है, तो इससे आपके मन में तृष्णा भी कम पैदा होती है कि किसी चीज के पीछे भागना, विचारों के पीछे भागना, विचारों में फंसे रहना, ये भी कम होता है। और दूसरा, आपकी शीलता भी बनी रहती है। आपसे शील भंग होने वाले कार्य जो घृणा और द्वेष से जुड़े होते हैं, तो ये कम होते हैं। तो इस वजह से हम मंगल मैत्री की साधना करते हैं। और जो साधना करने का तरीका है, इसमें शमत और विपश्यना यानी मन की स्थिरता और मन की प्रक्रिया या हलन चलन का परिचय, ये दोनों चीजें जुड़ के जाती हैं कि हम मन को ज्यादा स्थिर बनाते जाते हैं। और इस स्थिर एक जो बेस है हमारा, इस स्थिरता में हम मन के हलन चलन को और कोई भी स्पर्श होने पर, कोई भी वेदना से जुड़े हुए जो हमारे मन की प्रक्रिया होती है, तो उसको समझने में हम ज्यादा कुशल होते हैं। तो ये एक खासियत है जो इस तरीके से हम ये साधना करेंगे। तो साधना का जो आलंबन है मंगल मैत्री, इसको हम कैसे उत्पन्न करेंगे, कैसे हम इसको, इसके साथ कैसे हम अभ्यास करेंगे, ये थोड़ा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने जीवन में कोई एक सुखद घटना को याद करेंगे, जब आपका मन बहुत सुखद, शांत और संतुष्ट रहा। कई लोगों के लिए ऐसा एक प्रसंग होता है जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, अपने पालतू जानवरों, पेट्स के साथ खेल रहे होते हैं, या कोई अपने मित्रों के साथ होते हैं। तो ऐसे समय जब याद करें हम, जब हम सुखद हों, शांत हों, संतुष्ट हों, ऐसी कोई शीलता वाले कार्य में जब हम व्यस्त हों, तो ऐसा कोई एक प्रसंग याद करें। उस प्रसंग के कहानी में नहीं हमने घुसना है, हमें बल्कि वो याद करना है भाव जो उस समय हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ था, जो एक संतुष्टि, एक सुख का जो भाव उत्पन्न हुआ था उस समय, उस भाव को हमें याद रखना है। इसे मंगल मैत्री कहते हैं। इस भाव को हमने अपने लिए मांगना है, अपने लिए भेजना है कि जैसे मैं उस घटना के दौरान, उस प्रसंग के दौरान सुखद था, शांत था, बहुत खुश था, मैं वैसे ही रहूं हमेशा। तो पहले अभ्यास के 10 मिनट हम अपने आप को ये भाव भेजेंगे कि याद कर कर वो भाव जो हमने उस घटना में हमने महसूस किया था, उस भाव को अपने हृदय में रखकर हम उस भाव की कामना अपने आप के लिए करेंगे कि मैं खुश रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं। इस तरीके से ये जो हम कह रहे हैं, ये जो इसको हमने मन ही मन उच्चारण करना है, बोलकर नहीं करना है। और जब ये हम अपने आप को ये कामना जब हम कर रहे हैं, तो इसे मंत्र की तरह नहीं कहना है कि मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, इस तरीके से नहीं करना है। ये केवल उस भाव को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए है कि सचमुच मैं ये चाहता हूं कि जिस जैसे मैं अपने जीवन के उस प्रसंग में सुखी था, वैसे ही मैं हमेशा सुखी रहूं। तो पहले 10 मिनट हम अपने आप को ये भाव भेजेंगे। इस 10 मिनट के बाद जो अगले 20 मिनट है, तो पहले हम एक आध्यात्मिक मित्र को चुनेंगे। आध्यात्मिक मित्र ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जीवित हो, जिसके भला सोचने में हमें कोई भी झिझक ना हो,
ना और हम ये भी जानते हों कि ये ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारा भी भला समझते हैं, तो एक आदर हो उनके लिए, एक प्रेम हो उनके लिए, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। जीवित होने चाहिए, आपके परिवार के सदस्य ना हो। परिवार के सदस्यों के साथ हमारा रिश्ता बहुत सरल नहीं होता हमेशा, तो ज़्यादा देर उसके साथ बिताएंगे तो आपका मन अलग अलग चीज़ों में भटक सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति चुने जो आपके परिवार का सदस्य ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति चुने जिसके ओर आपको कोई शारीरिक आकर्षण ना हो। तो ये फिर वही बात है कि हम 20 मिनट जब इनको एक ये मंगल मैत्री का भाव भेजेंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति चुनना चाहिए हमें अपना आध्यात्मिक मित्र बनाकर, और इस आध्यात्मिक मित्र को हम बदलेंगे नहीं, एक ही आध्यात्मिक मित्र के साथ हम इस अभ्यास को करेंगे। तो दोबारा मैं दोहराता हूँ, एक सुखद घटना याद करेंगे, उस भाव को अपने हृदय में लाएंगे और उस भाव की कामना अपने आप के लिए करेंगे कि मैं सुखद रहूं, खुश शांत रहूं, संतुष्ट रहूं। पहले 10 मिनट ये करना है, अगले 20 मिनट अपने आध्यात्मिक मित्र के लिए यही कामना करनी है कि जैसे मैं उस प्रसंग में खुश था, जो वो भाव था, वो भाव मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही खुश रहें, शांत रहें, सुखद रहें, संतुष्ट रहें। तो ये आपने, ये जो मंगल मैत्री की भावना है वो अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजना है अगले 20 मिनट। तो जैसे ही हम बैठते हैं और शुरू करते हैं ये मंगल मैत्री की कामना करना, या तो खुद को भेजते हैं या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते हैं, तो थोड़ी ही देर में किसी विचार में हमारा मन भटक जाएगा। या तो कोई आवाज सुनाई देगी, या अपने काम या कोई निजी जीवन से कोई प्रसंग याद आ जाएगा, या कोई आपके बदन में कहीं खुजली होगी, कहीं दर्द होगा, उसका एहसास होगा और वहां पे हमारा मन भटक जाएगा। शुरुआत में ही बहुत ही जल्दी ये होने की संभावना है। तो जैसे ही हम ये पहचानते हैं तो 6 कदमों के जरिए हमने अपने ध्यान को वापस अपनी मंगल मैत्री पर लेकर आना है। तो क्या है ये 6 कदम? सबसे पहले कि पहचानना कि मेरा मन एक विचार में भटक गया। तो ये कुछ भी, जो भी विचार है, ये नहीं सोचना है कि ये विचार जरूरी है, महत्वपूर्ण है, नहीं है, ये वो काम नहीं है जो करने के लिए हम बैठे हैं, यानी कि अभ्यास। तो जैसे ही हमारा मन, सबसे पहले हमने पहचानना है कि हमारा मन भटक गया किसी विचार में। दूसरा कदम ये है कि हम उस विचार को रहने देंगे, हम उस पर अपना ध्यान नहीं रखे रहेंगे। ऐसा हमारे मन में निर्णय करेंगे, हम अपना ध्यान इस विचार में नहीं फंसाए रखेंगे। ये दूसरा कदम हुआ। तीसरा कदम ये हुआ कि हमारे, जब भी हमारा मन भटकता है किसी विचार में, तो हमारे मन में और बदन में, खासकर हमारे सर पे या गर्दन में या कंधे में, इन हिस्सों में थोड़ा तनाव उत्पन्न होता है। तो इस तनाव को पहचान कर हमने ढीला करना है, शांत करना है। ये तीसरा कदम हो गया, जिसे कहते हैं रिलैक्स्ड स्टेप। चौथा कदम है कि वापस हमने मुस्कुराना है। ये पूरा अभ्यास जो है, ये पूरी साधना जो है, इसका मुस्कुराना इसका बहुत अहम हिस्सा है, बहुत एक मुख्य अंश है। मुस्कुराने से हमारा, हमारे मन उत्कृष्ट रहता है और हमारी स्मृति या माइंडफुलनेस, जो मन की प्रक्रिया को पहचानने की जो क्षमता होती है, वो भी तीव्र हो जाती है। चौथा कदम, जैसे मैंने बताया, मुस्कुराना है, या री स्माइल कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। पांचवा कदम है कि अपने ध्यान को, जो भटका हुआ ध्यान था, जिसको पहले हमने पहचाना कि एक विचार पर है, फिर हमने उस विचार को रहने दिया, अपने मन में तनाव को शांत किया, मुस्कुराया, अब हम उस ध्यान को वापस अपने साधना पर लेकर आएंगे, जो मंगल मैत्री हम अपने आप को भेज रहे थे या अपने मित्र को भेज रहे थे, हम फिर वो मंगल मैत्री अपने आप को या अपने मित्र को भेजना शुरू करेंगे। ये इसके बाद हमारा 6ठा कदम जो होता है, इसे कहते हैं रिपीट, या ये पूरा जो सिलसिला है 6 कदमों का, जब जब इसकी आवश्यकता हो, जब जब हमारा मन किसी विचार में भटके, तो इन्हीं 6 कदमों का इस्तेमाल कर हमने वापस अपने ध्यान को
अपने साधना के आलंबन पर लेकर आना है। तो ये कदम जो है ये बहुत जरूरी है कि ये सारे कदम करें और इस ही ऑर्डर में करें, पहचानना, रहने देना, शांत करना, मुस्कुराना, वापस ध्यान को लेकर आना और जब जब आवश्यकता हो तो फिर इस प्रक्रिया को करना। ये जो 6 कदम हैं हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारा मन अपने साधना से बिल्कुल ही भटक गया हो। अगर हमारा मन अभी भी मंगल मैत्री भेज रहा है और जैसे बैकग्राउंड में हमें छोटी सी कोई विचार आए या कोई डिस्टर्बेंस आए तो उस चीज़ को हम वैसे ही रहने दें, उस पर ध्यान आकर्षित ना होने दें और हम अपनी साधना में लग रहे। लेकिन अगर वो विचार हमारे मन को आकर्षित कर गया, हमारा मन भटक गया और कहीं उस विचार में खो गया, तो तभी पहचान कर तुरंत ये 6 कदमों का इस्तेमाल करके अपने ध्यान को वापस लेकर आना है। तो इसके साथ यही हमारे साधना का तरीका है कि पहले 10 मिनट हम एक सुखद प्रसंग में जो भाव था वो भाव उत्पन्न करेंगे अपने हृदय में, अपने आप को उस भाव की कामना करेंगे कि मैं ऐसे खुश रहूं, शांत रहूं, सुखद रहूं। 10 मिनट के बाद अपने आध्यात्मिक मित्र को यही भाव हम भेजेंगे कि आप खुश रहें, सुखद रहें, शांत रहें, संतुष्ट रहें। इसको मंत्र की तरह नहीं उच्चारण करना है, जब भी मन हमारा भटके तो उसे 6 कदमों के जरिए वापस लेकर आना है और मुस्कुराना बिल्कुल शुरुआत से हमने शुरू करना है। ये एक मुस्कुराने वाली साधना है, ये मुस्कुराने से हमारी दिलचस्पी बनी रहती है, थोड़ी हमारी साधना में ऊर्जा आती है और मन के हलन चलन को पहचानने की जो हमारी क्षमता होती है वो भी तीव्र हो जाती है। तो आज क्योंकि कुछ नए लोग थे तो साधना का दोबारा मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है और अब हम शुरू करेंगे। मैं बेल बजाऊंगा, उसके बाद आधे घंटे की साधना शुरू करेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर का सत्र करें।
सभी को एक और बार मेरा नमस्कार। अब प्रश्नोत्तर आरंभ कर सकते हैं। मिलिंद जी, मैं देख रहा हूं कि आप पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। माधुरी जी, आपने अब आज पहली बार साधना की है, कैसे लगा आपको? सर, मैं ऐसे मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन ये साधना पहली बार की मैंने, यानी तनाव अपने आप से मंगल मैत्री के भाव रखकर जोड़कर और उस भाव में बैठकर मैंने ये पहली बार किया। अच्छा लग रहा है। आपने अपने आध्यात्मिक मित्र को भी भेजा मंगल मैत्री की का भाव? हाँ सर, वो मैं थोड़ा सा क्लास लेती हूँ योग का, वहाँ मेरे जो स्टूडेंट है मैं उनके पास गई थी और उनसे भी वही भाव था कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, इस भाव से मैं वहां गई थी। आपने जो बोला मैंने थोड़ा उसको इधर भी इस भाव से बैठी मैं। अब जैसे आपने कहा कि मैं अपने भीतर के विचार घृणा द्वेष इनको आप उसे छोड़ना चाहिए, ऐसे उस भाव को अपने अंदर आना नहीं चाहिए। तृष्णा, उस भाव को हम ले थे, लेकिन वही एक हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासने का एक मंत्र है, ओम विश्वाणि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, तो मैं उस मंत्र से जुड़ गई कि मेरे भीतर के राग द्वेष क्लेश निकाल कर मेरे भीतर सद्गुण सद्भाव सद्विचारों से भर दे। यानी आपने जो बोला था आपने आप ऑटोमेटिक गई, मैं क्या उसे लेना नहीं गई, लेकिन आपके उन शब्दों से मेरे अंदर भाव उधर चले, उस मंत्र की ओर गए, ये मुझे अच्छा लगा। नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो जिस तरीके की भावना या मन का विकास हम इस साधना के जरिए करना चाह रहे हैं, तो वो अगर हम मंत्र में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे मन का हलन चलन हमें पता नहीं चलता, तो मन का भटकाव होता है वो ठीक से पता नहीं। वो भटक तो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ, फिर उसमें फिर वापस आना और एक शांत होकर खुद पर ध्यान देना, अपने सांसों पर ध्यान रखना, ये मन को शांत करना, इसी भाव में रही थी मैं। थोड़ा पहली बार किया मैंने ये। हाँ जी, एक दो बार करेंगे तो शायद थोड़ा, मतलब ये जिस तरीके की मैंने साधना बताई ना, तो उसी में हमने उसी तरीके से करने से तेज हमारा विकास होता है इस साधना में। मुझे समझ में आया कि आपने और कई साधनाएं करी हैं पहले और शायद थोड़ा उसका भी वो असर आ गया आपके अभ्यास में। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने पहली बार करा है, आगे करते करते आपको मतलब इस साधना का जो एक अलग एक रूप है और इससे अलग एक जो सीख मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी। सही सही, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न यहाँ पे? और भी कुछ लोग मुझे नए दिख रहे हैं। निलय जी, आप पहले आ चुके हैं साधना में।
ठीक है, और किसी के कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं। मैंने एक टर्म पढ़ी ड्रॉप्स, DROPSS, भंते जी की किताब में, तो इसको जरा हिंदी में आप विस्तार से समझाएं। हाँ, तो भंते जी एक छोटा एक जैसे हमारे सिक्स आर्ट्स हैं उसी से जो हमारे छह कदम है और ये जो बाकी साधना है इसे जुड़े हुए एक शॉर्ट फॉर्म एक बताते हैं ड्रॉप्स, जिसका अर्थ है डोंट रेसिस्ट और पुश, सॉफ्टन एंड स्माइल। तो ये साधना करने का जो तरीका है, तो जैसे कोई अड़चने आती हैं हमारी साधना में या कोई विचार में हमारा मन भटकता है, तो इसका अर्थ यह है कि इनसे हमने लड़ना नहीं है, ना इनके आ जाने से हमें परेशान होना है, ना ये हमने चाहना है कि ये बुरी चीज़ हो गई है अब ये दूर हो जाए मेरे से, ये जो विचार आया है या जो हमारी साधना में कोई अड़चन आई है। तो इसका डोंट रेसिस्ट और पुश का ये अर्थ है, और सॉफ्टन एंड स्माइल वही हमारे जो शांत करने और मुस्कुराने के जो दो हमारे कदम हैं उनके बारे में कहता है। तो ड्रॉप्स में ड्रॉप्स का अर्थ यही है, डोंट रेसिस्ट और पुश, सॉफ्टन एंड स्माइल। तो कोई भी अड़चने आती हैं या हमारी साधना भी जो है इसमें हमने बहुत जोर जबरदस्ती कहीं नहीं करती, ये एक जोर जबरदस्ती वाली साधना नहीं है, एक बिल्कुल ये जो हम अपने ही जीवन में बीता हुआ एक जो बीती हुई घटना को याद इसीलिए करते हैं क्योंकि जो भाव तब उत्पन्न हुआ था वो बिल्कुल हमारे लिए एक सच्चाई थी उसमें, मतलब कोई हमने जबरदस्ती करके नहीं वो भाव उत्पन्न किया था। तो ऐसा भाव हम याद करते हैं ताकि हमें इस साधना में जोर जबरदस्ती ना करना पड़े। दूसरी बात जो है, जब भी कोई अड़चने आए, कोई विचार आए हमारी साधना के दौरान, तो इनसे हमने लड़ना नहीं है ना परेशान होना, ये जो विचार आए हैं ये एक तरीके से हमारे शिक्षक हैं, ये हमें मन के भटकने की प्रक्रिया से परिचित करते हैं और हमें छह कदमों का इस्तेमाल करने में दोबारा एक शिक्षा देते हैं कि ये दोबारा इस्तेमाल करके आप कैसे अपने ध्यान को वापस लेके आते हैं। ये पहचानना कि मन कैसे भटका और ये छह कदमों का जो इस्तेमाल करना है, इससे हमारी स्मृति या माइंडफुलनेस, इसका माइंड डेफिनेशन है माइंडफुलनेस का कि हमारा ध्यान हमेशा याद रखना कि हमारा ध्यान किस तरीके से एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ भटकता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको समझने और इस पे नजर रखने के लिए हमें याद बनाए रखना है कि सारे समय हमारे मन का जो ध्यान भटकता है एक चीज से दूसरी चीज, इस प्रक्रिया को देखने के लिए अपने आप को एक हमारी स्मृति बनाई रखनी है, तो इससे हमारी स्मृति बढ़ती है। तो डोंट रेसिस्ट और पुश, सॉफ्टन एंड स्माइल, बस यही कहता है कि आपके मन में जो भी विचार है उनसे हमने लड़ना नहीं है, एक शिक्षक है, इसकी शिक्षा यह है कि इसे पहचानना है और हमने वापस छह कदमों का इस्तेमाल करना है। तो सॉफ्टन एंड स्माइल मतलब मन को नरम करके, शांत करके, इसमें तनाव हटाकर, मुस्कुराकर वापस आना है। सवाल है कि जब साधना जब अपन करते हैं कभी ऐसा होता है कि जैसे आज सुबह के मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सब ठीक ठाक था और मैं जब साधना करने के लिए बैठा तो इतनी ज्यादा नींद, मतलब उस समय मैं
मतलब सिक्स आर भी नहीं कर पा रहा था, एकदम माइंड एकदम डल हो गया था। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? लगभग मैं आधा घंटा बैठा रहा लेकिन कर नहीं पाया, उस समय हमें क्या करना चाहिए? मिलिंद जी आपकी आवाज कट रही है या मेरे एंड पे शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम? आपके में वीक बता जी, वो कह रहे हैं कि साधना में वो आधा घंटा बैठे रहे लेकिन बहुत नींद आ रही थी, वो सिक्स आर भी नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मिलिंद जी अपना सवाल दोहरा देंगे, मेरा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम जी। सर सुबह के ध्यान सत्र में मैं बैठा था लगभग आधा घंटा गाइडेड मेडिटेशन के साथ में जो डेविड सर का है, तो उस सत्र में बैठने के मतलब सुबह की बात है, 7:30 की बात है, लेकिन उस दौरान मुझे इतनी ज्यादा नींद आई कि मैं मतलब सिक्स आर भी नहीं कर पाया। मुझे पता चल रहा था कि मैं मतलब नींद में जा रहा हूँ लेकिन मैं सिक्स आर भी नहीं कर पा रहा, तो स्थिति में क्या करना चाहिए? आप ठीक से सो रहे हैं, सही समय पर सो पा रहे हैं? एकदम पर्याप्त मात्रा में नींद हुई, बढ़िया से स्नान किया, मैंने धम्मपद की वर्सेस लिया और क्या नाम चाहिए आपका सील लिया, उसके बाद मैं आराम से इत्मीनान से बैठा और आज 2-3 ट्राई करने के बाद लगभग 2 के बाद में मेरा ध्यान जो है वो लगना चालू हुआ, मतलब अवेयर हुआ। ठीक है, ये हो जाता है कई बार हमारे मन की स्थिति, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, हर बार जब हम बैठते हैं तो हमारे मन की स्थिति अलग होती है, कभी ज्यादा स्थिर होता है, कभी ज्यादा बेचैन होता है, कभी ज्यादा आलस्यमय होता है। तो ठीक है, पहले तो एक बात है कि इससे आपने परेशान नहीं होना है, जैसे आपने कोशिश करा, हर बार जब आपने ध्यान दिया आपको आपने पहचाना, और पहले हमारी ये बात भी हुई है कि 5 के विचार या अड़चन आते हैं हमारे साधना में, एक है लोभ से जुड़ा हुआ, एक द्वेष या घृणा से जुड़ा हुआ, एक बेचैनी से जुड़ा हुआ, एक आलस्य से जुड़ा हुआ और एक संशय से जुड़ा हुआ। ये 5 के सोच विचार अड़चन आते हैं हमारे हमारी साधना में, तो आलस्य एक जब भी आप पहचाने तो 6 का इस्तेमाल करिए। जितना आप ज्यादा मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपके एक मन में एक ऊर्जा पैदा होती है, एक दिलचस्पी पैदा होती है। कई बार तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में मुस्कुरा नहीं रहे तो वो मुस्कुराएं ज्यादा, आप उसके पहले भी साधना के पहले भी मुस्कुरा सकते हैं। दूसरी चीज एक कर सकते हैं, कई लोगों को फायदा होता है अगर वो साधना के पहले थोड़ा मतलब थोड़ी कोई ब्रिस्क वॉक, या आप चंक्रमण ध्यान भी कर सकते हैं, थोड़ा मतलब अपने खून को शरीर में खून को दौड़ाने के लिए कुछ कोई हल्की फुल्की कसरत कुछ करेंगे तो उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे बदन में भी चुस्ती या ऊर्जा कम होती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नहीं होता है। और ऐसा करके भी अगर आपको आलस होता है तो हर बार यही है कि आलस होते ही 6 का इस्तेमाल करें, थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराएं, उससे ज़्यादा ऊर्जा आएगी। वरना ये भी एक शिक्षा है कि हमारा मन कैसे कई बार आलस्यमय हो जाता है, तो उसको भी एक शिक्षा की तरह लीजिए। इससे परेशान मत होइए, कल दोबारा कोशिश करिए, कल आपके मन की स्थिति अलग होगी। आलस आता है दोबारा तो स्माइल करिए, उसके ध्यान में बैठने के पहले थोड़ा हल्की कसरत कर लीजिए, तो उससे आपको फर्क पड़ जाए, क्योंकि आप आराम तो ले रहे हैं। कई लोगों को होता है कि नींद की कमी होती है, तो जैसे ही वो
थोड़ी देर एक जगह पे बैठ जाते हैं बिना कुछ काम किए तो तुरंत नींद आ जाती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनका मन पहले ही थका होता है, उसको पर्याप्त आराम नहीं मिला होता है। तो आपके केस में ये तो है नहीं, तो आप थोड़ा हल्का लाइट एक्सरसाइज या स्माइलिंग इनका सहारा लीजिए, और इनसे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है तो कोई नहीं, पहचानिए, आप छह कदमों का इस्तेमाल करिए 6 आवर्स का, उसमें भी आपके मन का विकास होते रहेगा। एक दूसरा प्रश्न है, आज अनुपद सूत्र जो 111 MN111 जो है वो मैं सूत्र सुन रहा था संते जी का, तो उसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड संते जी एक, और दूसरा एक नोबल साइलेंस, वो चीज मुझे। तो यूनिफिकेशन ऑफ माइंड जो बोलते हैं, तो एक चीज जो बहुत जरूरी है शमत विपश्यना के, तो जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था, कई परंपराओं में शमत और विपश्यना को अलग अलग प्रैक्टिस या अलग अलग साधना की तरह माना गया। शमत में लोग क्या करते हैं कि ऐसे कॉन्सेंट्रेशन स्टेट्स में पहुंचते हैं कि उन्हें किसी मन में उठते हुए किसी और विचार का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इतने जोर के अपने साधना के आलंबन पर जुड़ चुके होते हैं, मतलब अपना जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है उसे इतने अटैच हो जाते हैं, उसके अंदर भी बहुत एक क्रेविंग होती है, और वो क्रेविंग इतनी बढ़ जाती है, वो कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि और कोई जो मूवमेंट हो रहा है आपके मन में वो रजिस्टर नहीं कर पाते, राइट। तो हम जो इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम अवेयरनेस को भी करते हैं कि हम एक जो हमारे साधना का आलंबन है उस पर हम मन बनाए रख रहे हैं, बार बार उस पर वापस लेके आ रहे हैं, लेकिन ये जब वापस लेके आ रहे हैं तो इस समय हम 2-3 हमारे स्टेप हैं जो इस चीज में मदद करते हैं कि बहुत ज्यादा तृष्णा या क्रेविंग हमारे जो साधना के आलंबन से हम जो जो जुड़ाव है बहुत एक तृष्णा से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जब वापस अपना मन लेकर आते हैं तो एक जो हम रिलीज स्टेप करते हैं कि अपने जिस विचार पर हमारा ध्यान भटका था कि उसको रहने दें, एक जो हम रिलैक्स स्टेप यूज करते हैं कि तनाव को हम ढीला कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं मन में, और जो स्माइल स्टेप कर रहे हैं, ये तीनों चीज करने से हमारी तृष्णा बढ़ने से रुकती है। तो हमारा मन जब वापस आता है तो एक ही चीज पर हम बार बार वापस लेके आ रहे हैं ध्यान, तो उसकी स्थिरता एक तरफ बढ़ रही है, लेकिन स्थिर होने के साथ ही हमें बाकी जो मन में जो विचार आ रहे हैं उनका भी आभास होता है कि मतलब और विचार आ रहे हैं, कई बार हमारा मन उस पर भटकता नहीं है, कई बार उस पर हमारा मन भटकता है, और ये बाकी विचारों को उभरने देना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्थिर मन में जब हम अपने मन के भटकाव को देखते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि हमारे मन के भटकाव की प्रक्रिया क्या है। तो स्थिरता तो जरूरी है, वो कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है, लेकिन जो हमारे मन का भटकाव है वो देख पाना, उससे परिचित होना हो पाना उस प्रक्रिया से, वो भी उतना ही जरूरी है। तो जब यूनिफिकेशन ऑफ माइंड कहते हैं तो एक दौर आता है जब आप थोड़ी देर तक ये करते हैं, कोई एक जो आपको विचार बार बार, जिस विचार से आपको थोड़ा ज्यादा जुड़ाव हो, जो बार बार आपके खींच लेता है, कोई एक चीज के बारे में आप सोचते हैं, तो उसमें धीरे धीरे आप 6 आवर्स का प्रयोग करके जब उसमें तृष्णा बिल्कुल लगभग उस विचार में खत्म हो जाती है, तो पहली बार हमें एक ध्याना या एक ध्यान के पहले स्तर का आभास होता है, मतलब उसमें हम पहुंचते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मन खुद ब खुद स्थिर होता है, लेकिन इसमें जो और जो हमारे विचार आ रहे हैं, जो स्पर्श हो रहे हैं हमारे बदन में, तो ऐसा नहीं है कि हम उस स्पर्श को बिल्कुल, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने मंत्र मुग्ध हो गए, हमारे
साधना के आलंबन पर हमारे मंगल मैत्री में, कि हमें और कोई चीज का पता नहीं चलता, तो उस तरीके से हम उस पर नहीं चिपक जाते। हम यहाँ पे हमारा मन हल्के से टिका है लेकिन स्थिर टिका है, और हमारे मन में बाकी सारी चीजें जो भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल उससे अनजान है। कुछ थोड़ी देर के लिए जब ये स्थिरता रहेगी तो हमारा मन इन चीजों को रजिस्टर करेगा, इनका आभास होगा लेकिन इनमें भटकेगा नहीं। तो इसे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप मन के एक हिस्से को पकड़ के आपने सारे दरवाजे बंद कर लिए कि मन में और क्या हो रहा है, मैं कोई चीज मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। हम मन में सारी जो चीज हो रही है, जो सारे स्पर्श हो रहे हैं, तो जैसे उसमें आपने अनुपात सूत्र में ये भी देखा होगा, उन्होंने कॉन्टैक्ट की बात करी होगी, बिल्कुल मतलब आपके सातवें ध्यान तक भी मतलब आपको कॉन्टैक्ट का पूरा एहसास होता है, मतलब जो स्पर्श हो रहा है कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके आंख, आपके कान, आपकी त्वचा, आपके नाक, आपका मुंह और आपका मन, जो कि एक सेंस ऑर्गन है क्योंकि उसपे विचारों का स्पर्श होता है, वो तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो हमारा एक विज्ञान है, अलग कॉन्शियसनेस है अलग चीजों का, कि सुनने का विज्ञान, देखने का विज्ञान, सूंघने का विज्ञान, स्वाद लेने का विज्ञान, सोचने का विज्ञान, ये सारी जो चीजें हैं ये, और जो एक हमारे एक इस इन पर हमारे एक ध्वनि का या एक रोशनी का या एक स्वाद का इनका स्पर्श होता है ना, तो ये जो स्पर्श होता है, तो ये स्पर्श हमें इस स्पर्श का आभास होता है। लेकिन जब हम एक ध्यान के स्तर पर पहुंच जाते हैं, उस ध्यान के स्तर पर हमें हमारा जो ध्यान है वो फिर भी हमारे साधना के आलंबन के साथ रहता है, मतलब ये इसके साथ चिपका नहीं हुआ है, ना एक कमरे में बंद है, ना इसको बेड़ियां लगी हुई, लेकिन ये बाकी सारी चीजों का एहसास होते हुए भी बड़े आराम से अपने साधना के आलंबन पर टिका हुआ, तो इसे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ माइंड। तो ये एक जो कॉन्सेंट्रेशन जैसे हम समझते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम वही कि एक कमरे में बंद होकर बाकी पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानना चाहते। और ये क्योंकि क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेंट्रेशन में कुछ हम सीखते हैं लेकिन हम बाहरी दुनिया में जाते हैं, तो ये जो कुशलता है हमारे वहां पे उतने काम नहीं है। अगर हम मन में चलते हुए बहुत सारी प्रक्रियाओं के बीच में भी एक अपने साधना के साथ जुड़कर बहुत बड़े आराम से रह सकते हैं, तो यही हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी लेके जा सकते हैं, कि बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे पास आसपास, ऐसे नहीं कि हम अनजान हैं, कि मतलब हम फोन में देखते देखते हम गाड़ी के रास्ते में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम फोन पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन हमें आसपास जो चीजें हो रही है वो भी उसका भी आभास हो रहा है, तो वो जरूरी है। इसको यूनिफिकेशन या कलेक्टेडनेस ऑफ माइंड कहते हैं। आपने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में सवाल पूछा था, नोबल नोबल साइलेंस। हाँ जी, तो नोबल साइलेंस, तो ये ध्यान का पहला स्तर होता है ना, तो पहला स्तर में थोड़ी आपको एक खुशी का आभास होगा, कि ऐसी खुशी होगी जो कि आपके साधारण जीवन में आपको इसका एहसास नहीं हुआ होगा। इसमें इस जब स्तर में हम पहुंचते हैं, तो 8 स्तर होते हैं, इनकी चर्चा मैं आज करने वाला था लेकिन इस सत्र के शुरुआत में थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम हो गए थे हमारे, तो थोड़ा टाइम उसमें चला गया था। तो जो ध्यान होता है हमारा, तो ये जो स्थिर होते जाता है, जैसे हम तृष्णा इसमें कम करते रहते हैं, 6 hours का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे 8 अलग स्तर होते हैं, ठीक है। और हर एक स्तर में हमें अपने मन की प्रक्रिया के बारे में और चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो पहला स्तर जो होता है, इसमें हमारे मन में बहुत खुशी का आभास होता है, पहली बार हमारा जो ध्यान होता है हमारे साधना के वाहन पर बहुत आराम से टिका रहता है काफी देर तक, मतलब वरना 2-4 seconds 5 seconds में चले जाता है, यहाँ 30 minutes 1 minute 2-3 minutes तक आराम से टिका रहता है। एक आराम का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, लेकिन इसके साथ थोड़े हमारे विचार, थोड़े मतलब जैसे हमारे मन में एक विचारों का उच्चारण होता है ना, जैसे हम सोचते हैं तो मन में कुछ बोलने वाली
एक विचारों का विचारों को बोलने की एक प्रक्रिया होती है कि अच्छा इसके बारे में क्या सोच रहा है या उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो ये चलते रहता है अभी हमारे पहले स्थल। जब हम दोबारा थोड़ा और हमारा मन स्थिर होता है और हमारे और हम तृष्णा कम करते हैं सिक्स आवर्स का प्रयोग करके, तो दूसरे एक स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्तर में क्या होता है कि हमें अपने जो हम अभ्यास कर रहे हैं जिस तरीके से हम कर रहे हैं इसमें एक तो बहुत हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन अब बहुत आराम से अपने साधना के वस्तु पर वाहन पर टिका हुआ है बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना कोई जबरदस्ती के, बिना विचारों से लड़े हुए वो रह रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आता है। और इस जो दूसरा स्तर है इसमें जो हम विचारों का उच्चारण करते हैं अपने मन में कि बोल बोल के कोई चीज हम सोचते हैं जो, तो ये होना बंद हो जाता है। तो इसे इससे एक बहुत गहराई आती है मन में, इसे नोबल साइलेंस कहते हैं। तो ये जो मन में जो एक पहली बार आपको जब दूसरे ध्यान का आप अनुभव लेंगे तो उस समय पहली बार आपको लगेगा कि मन बिल्कुल ही शांत हो गया, इसमें कोई मतलब मेरे खुद बाकी विचार और जो बाहर के ध्वनि प्रकाश वगैरह जो है वो सब तो छोड़िए, अपने भी मन के बोलने की प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। तो वो उस एक शांति का एहसास होता है। इसमें भी एक इस ध्यान में भी एक खुशी का प्राप्त होता है। वो जो पहले ध्यान में जाते हैं उसमें थोड़ी ज्यादा उत्साह होता है उस खुशी में, इसमें थोड़ा कम उत्साह होता है, बहुत विश्वास होता है और एक शांतता, एक गहरी शांतता का पहली बार अनुभव होता है। तो इसे नोबल साइलेंस कहते हैं। थैंक यू सर। आज का समय समाप्त हो चुका है, किसी और का एक सवाल ले सकते हैं अगर किसी का सवाल है तो। ठीक है, तो इससे आज का सत्र समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ आप सब साथ में बोल सकते हैं। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदाथ सभी दे दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करे पुण्य का अनुमोदन, चीर काल रखे बुद्ध शासन, चिरकाल रखे बुद्ध शासन, चिरकाल रखे बुद्ध शासन। साथ साथ साथ। साथ साथ।